दोस्तों राज जो था बहुत तूफान था और हमने अपना भस्मनाज निकलवाया और लेबर मिली नहीं, क्योंकि गांव में जो है चुनाव का माहौल है, सब क्वार्टर लगा लगा के मजे से लौट रहे, एंजॉय कर रहे। फिर पापा ने सोचा, हमने सभी ना, भैया इतना उनकी कुसामंद करेंगे 2 दिन बाद में, इतना तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, थोड़ी थोड़ा काम अपने आप ही कर लो। आप देख सकते हैं पुनीत भैया, नमस्कार सभी भाइयों। अब भाई अपना काम है, हंसने क्या बात है। और ऊपर हमारे जो हैं पापा हैं, पापा मुंह दिखाइयो। और मधु बाबा ने मना कर दिया है, मैं तो अपना गन्ना छोलेगा। मधु अपना गन्ना छोल रहा है भैया, इधर ये सरसों सी, और ये 40 गठिया तो बंद की, 40-50 एक और होंगी, 35-40 कुछ उड़ गया, कुछ उड़ गया तूफान था बहुत। अब यो है अपना जो है काम तो करना ही है। किसान भाइयों, लगता है आने वाले टाइम में खेती धीरे धीरे घटती जाएगी। हम 2 दिन से घूमते रहे, कोई भी मजदूर नहीं मिला भूस ढोने के लिए। ये गेहूं भी इसलिए काट रहे हैं, कोरोना हो गया, लोग शहरों से भाग रहे हैं, वरना गेहूं भी काटने वाला नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि सरकार फ्री में दे रही है। जब खाने को फ्री में मिल रहा तो वे हिल्ला क्यों करें। अब बताइए, 2 दिन से मैं कहीं नहीं गया, कल लान कटा, आज रात भूस ढोते, रात मौसम ख़राब था, मैंने कहा मगर चलो मैं सर लगता हूँ साथ में, क्योंकि 3 आदमी ज़रूर चाहिए। मैंने गठियों पे चढ़ाया, पल्लियों पे, इन्होंने बांधी पुनीत बबलू ने, फिर ट्रोली भरी, मैं ऊपर चढ़ा, फिर ट्रोली जमाई। अब ये 35-36 पल्ली हैं छोटी छोटी, अब एक फेरा ले जा रहे हैं, करीबन 9 बज गए, देखेंगे टाइम रहा तो अब ले जाएंगे। वैसे ठंडी हवा चल रही है आज, तो गर्मी पड़ी तो फिर शाम को ले जाएंगे। छोटे मैसी बुलाए हैं, छोटा ही काम है, तो ठेकेदार से कहा गन्ना छोल रहा है, इन्होंने कहा नहीं हम नहीं कराएगा, मतलब 500 रुपये को भी मजदूर तैयार नहीं था 4 घंटे काम करवाने के लिए। तो आने वाले टाइम में जिसके पास मजदूर होंगे, या तो बड़ा किसान रहेगा अडानी अंबानी जैसा, क्योंकि ये लोग ज़मीन ले लेंगे, इनके पास लोग काम करेंगे, और जो छोटा किसान है, सबसे छोटा या वो रहेगा, और मीडियम तो ख़त्म ही हो लेगा, क्योंकि वो ना मरों में रहा ना जिंदों में, ना बड़ा रहा ना छोटा रहा, ये दिक्कत आने वाली है ज़रूर। कुछ मेरे भाइयों को मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, नमस्कार। भाइयों हम 245 इसलिए नहीं लाए, वो हंटिंग करता है सिलों पे, झटके मारता है, गठिया हिला दे वो, और मैसी की इसकी छोटे की बहुत बढ़िया चाल है, क्या शानदार आवाज़ है भाइयों। ये हंटिंग नहीं करता, बहुत प्यारा चलता है, जबकि बड़े सभी ट्रैक्टर हंटिंग करते हैं। और फिर हमारा ड्राइवर भी बड़ा कुशल है, बबलू सैलास में ले जाएगा। अब देखिए बिल्कुल चल रहा है ट्रैक्टर बड़े मज़े में, अरे कती अटक जा, लिफ्ट पट्टी लगा लिए, ये देखो चाल देखो कितनी बढ़िया मज़े में। 45 तो झटके मारे हैं भाई, गठिया हला दे, हमने गेयर ला रखा हो, ये छोटा मैसिम हमें बहुत पसंद है। एक उस मेरे भाई कहवे कि तेल ज़्यादा खावे, भाई हर चीज़ का हिसाब नहीं लगाया, जब तक घर में 2 बालक रहे, एक की खुराक ज़्यादा है एक की कम, तो ज़्यादा वाला काटा थोड़े जा। और फिर ही तो रोड़ पुचकार के चलाओ प्यार से, तेल भी ना खाते, तेल का क्या हिसाब लगाना। अब एक पाव का हिसाब लगाओगे तो क्या खेती हो रही है, नू बताओ भाई। मैंने सुथरी 40 सालों बुलेट चलाई, कभी तेल का हिसाब नहीं लगाया, पैसे होते चल दू तो ले गए, जिद्दी ना होते खड़ी रहती करो। तो भाई एवरेज कुछ नहीं है, एवरेज तो अपने हाथ से है, जाते तेल खाती हो कम चला लो, थोड़ा खाती हो रोज चला लो। अब देखो कितने प्यार से चढ़ गया, क्योंकि इसमें मुश्किल से 8 क्विंटल वजन होगा, ज़्यादा वजन नहीं है।
तो छोटे काम के लिए तो छोटा मैसी बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। मैं तो ये कहता हूँ क्योंकि भाइयों अब कबाड़ियों में कटन लगे, किसानों ने कबाड़ियों में कटवा दिए। मैं धन्यवाद करता हूँ उन किसानों का जिन्होंने ये 70-72 मॉडल 65 मॉडल आज भी मॉडिफाई करवा कर घर में रखे हैं। यानी हमारे इधर के क्षेत्र के किसान तो पता नहीं कैसी आदत है, कबाड़ियों को बेचते हैं और कबाड़ी उनके पुर्जे पुर्जे बखेरते हैं। तो ये एक बार जो ख़त्म हो गया वो दोबारा तो आने वाला नहीं है, तो इसलिए इस नस्ल को बचाओ। हर घर में हर किसान के झोटा ना रखे इसे रखो, क्योंकि झोटे भी ठाली गर्री आ जा ट्रैक्टर गर्री पर तो नहीं आता कम से कम। नमस्कार, अब घर चलते हैं, घेर में जाके तारे कटो। अब ट्रैक्टर खेत से घर पे आ गया है, ट्रोली अंदर आएगी। तो भाइयों ये किसान का दफ्तर है, ये किसान का एसी है, गर्मी में काम करता है। और बाज़ार में रेट पिटा हुआ है झुम्मों का, जो किसान के काम पे नहीं आ रहा उन्हें फ्री में ना चाहिए। किसान कितनी मेहनत करता है कोई इसका साथी नहीं है, ना सरकार ना कोई और। किसान आंदोलन कर रहे हैं, MSP मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे हैं जो 1960 कितना इनका रेट है वो रेट तय हो। लेकिन जो बेचारा किसान बाज़ार में जा रहा है लाला, उससे सस्ते रेट में क्यों खरीद रहे हैं? भाई ये ट्रोली यहाँ थाम दी, अब हम यहाँ से भूसू आ रहे हैं। तो किसान को किसान का हक नहीं मिलेगा, सरकार नहीं दिलवाएगी तो फिर किसान की सरकारी कैसे रही? किसान क्यों वोट देगा इसे? बात कड़वी है लेकिन सत्य है। मैं अभी गन्ने में डालने के लिए कीटनाशक लाया 10-12 हज़ार की आली, एक छोटी सी शीशी 3-3 हज़ार रुपये की है। कोई रोक नहीं है उन पे और किसान के माल पे रोक है। MSP भी सरकार मोदी जी कह रहे हैं MSP है रहेगी, क्या यार झूठ बोलते हो? मैं किसान हूँ, मैं खुद जानता हूँ झूठ बोलना मोदी जी से सीख के। जिन्हें पता ही नहीं खेतों में पानी नहीं दिया उन्हें जरूरत क्या है? सच्चाई ये है, चाय बेचने वाला हमेशा ये चाहेगा तुझे बहुत सस्ता अनाज मिले, बहुत सस्ता दूध मिले और चीनी भी सस्ती मिले, तभी उस चाय बेचने वाले को 2 रुपये बचेंगे। अगर वो महंगी चीनी लेगा 50 रुपये किलो की, 100 रुपये किलो दूध लेगा तो उसे 1 पैसा नहीं बचेगा। लेकिन वो जिस चीज़ को सस्ती लेना चाहता है उसे कौन पैदा करता है? किसान, किसान, सिर्फ किसान। और तभी किसान आज बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ऊपर वे लोग बैठे हैं, मंत्री लोग वे हैं, कुछ हमारे चले गए किसानों के बच्चे, उनके खून मुँह लग गया, वे पैसा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, उन्हें घर महल फार्म हाउस बना लिए, वे किसान नहीं रहे। वे किसान का भला क्यों चाहेंगे? एक दो बोलता भी है उनकी सुनता कोई नहीं, सब पीछे पैसे के पीछे भाग रहे हैं। काश